देखिए, सबसे पहले ये बिल्कुल वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये अगर ब्रोकर से आप डील कर रहे हैं तो ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। ब्रोकर से आपको कोई कैश में डीलिंग नहीं करनी है। ब्रोकर से आपको डेली अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो ब्रोकर को आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देना ज़रूरी होता है, जिसमें बड़ा क्लियरली मेंशन होता है कि आपने किस टाइम पे कितने शेयर्स किस रेट के ऊपर आपने परचेज़ किए, उसमें टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको उसी दिन आना चाहिए, विद इन 24 आवर्स। और अगर आपको कोई वेरिफिकेशन भी करना होता है तो एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना जो आपका एक यूनिक कोड, क्लाइंट कोड होता है, वो डाल के आप अपने सारे ट्रांजेक्शन, ब्रोकर का कोड डाल के आप सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप ब्रोकर की रेपुटेशन, जब भी आप किसी ब्रोकर से डील करते हैं, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी रिसर्च कैसी है, ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई शेयर बेचना है या कोई शेयर खरीदना है, आपको उसकी एक ब्रोकर की अगर रिसर्च मिलती है तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो उसकी रिसर्च कैसी है, उसका जो ट्रेडिंग टर्मिनल, उसमें अगर बहुत ज़्यादा लेटेंसी आ रही है, टर्मिनल की स्पीड अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपका सौदा, जो आप सामने रेट देख रहे हैं, उस रेट पे आपको सौदा ना मिले। लेकिन अगर उसका टर्मिनल फास्ट है और यूज़र फ्रेंडली टर्मिनल है, जिसमें आप सौदा डाल सकते हो, बड़ा यूज़र फ्रेंडली अगर सॉफ्टवेयर है उसका, तो आपको बड़ी आसानी होगी और आपको सौदा एग्जीक्यूट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।